योगी सरकार के फेवरेट सिंबल बुलडोजर की चर्चाएं तो आए दिन सुनने और देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन आज बात होगी रोड रोलर की, जिसे हमीरपुर पुलिस ने इस्तेमाल करते हुए ढेरों असलहों को लोहे के टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। हमीरपुर पुलिस ने आज जिन असलहों पर रोड रोलर चलवाते हुए उनको स्क्रैप में तब्दील किया है, उन असलहों के दम पर हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया था। लेकिन आज जब इन असलहों के दम पर की गए वारदातों का केस फाइनल हो गया और जुर्म करने वालों को उनके किए की सजा मिल गई, तो कोर्ट के आदेश पर रोड रोलर चलाकर इन असलहों को स्क्रैप में तब्दील कर दिया गया। विगत वर्षों में जिन माल मुकदमाती केसेस का निस्तारण हो गया है, उनके माल को कल यहाँ पर नष्ट कराया गया, जिसमें कुल लगभग 2500 मालों का निस्तारण कराया गया, जिसमें अवैध असलहे, साथ ही NDPS एक्ट के जो माल थे और साथ ही विद्युत और जुआ अधिनियम के मालों, इन सभी मालों का निस्तारण कराया गया, जिस दौरान जो अवैध असलहे थे उनको बुलडोजर द्वारा उनको नष्ट कराया गया। और इस दौरान जो पुलिस की कमेटी थी वो मौजूद रही और साथ ही आबकारी विभाग और मैजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब ये आर्म्स एक्ट के मुकदमे होते हैं तो इसमें जो अपराधी होता है वो जेल जाता है, और उसके बाद जब कोर्ट ट्रायल होता है और उसको सजा होती है, उसके पश्चात जो माल मुकदमाती होता है उसको नष्ट करने की कमेटी द्वारा प्रक्रिया है, तो उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए ये कार्रवाई की गई है।